दोस्तों आपके वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एडिटिंग है। अगर आपने एडिटिंग करना नहीं सीखा है तो ये वीडियो आपके लिए। आप इस वीडियो को देख के अच्छी तरह से एडिटिंग करना सीख सकते हैं और खुद अपने वीडियो को खुद से एडिट करके आप बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप कितना भी अच्छा वीडियो बना ले और उस वीडियो पे अच्छी तरह से एडिटिंग नहीं करेंगे तो उसमें बिल्कुल व्यूज़ नहीं आएंगे और आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। दोस्तों आज मैं आपको VN ऐप से एकदम आसान तरीके से एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको VN ऐप ओपन कर लेना। ये देखिए यहाँ पर एक प्लस करके आइकन बटन होगा, उस पर टैप करना और फिर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना। उसके बाद जो भी वीडियो आपको एडिट करना उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना। देखिए जैसे मुझे ये वाला वीडियो एडिट करना, फिर वहाँ पर नेक्स्ट करके ऑप्शन होगा नीचे ब्लू कलर का, उस पर टैप करना। फिर देखिए ये वीडियो ऐड हो चुका और ये एडिटिंग करने के लिए तैयार है। यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पर एक फ़िल्टर करके ऑप्शन है, अगर आप उस पर टैप करेंगे तो आपको बहुत सारे फ़िल्टर मिल जाएंगे। जैसे कि ये देखिए, अगर आपको कोई भी फ़िल्टर पसंद आता है तो उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। और अगले फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर एक FX करके ऑप्शन है, जिससे आप अपने वीडियो के शुरुआत में एनिमेशन लगवा सकते हैं। जैसे कि ये देखिए बहुत ही अच्छा लगता है, कूल टाइप का लगता है। इस जो भी आपको पसंद आ रहा है एनिमेशन, जैसे कि मुझे ये वाला पसंद आ रहा, उस पर टैप कर देना और फिर अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर देना। फिर ये देखिए ये एनिमेशन लग चुका है। उसके बाद ये स्प्लिट करके ऑप्शन है, जैसे कि अगर आपके वीडियो पे कोई पार्ट मिस्टेक हो गया है जहाँ पर और वो आपके काम का नहीं है, वहाँ पर स्प्लिट कर देना। और ये वीडियो देखिए दो पार्ट में हो चुका, अब जहाँ तक आपको कट करना वहाँ तक जाना, फिर वापस स्प्लिट दबाना, फिर इस एरिया पर टैप करना और फिर नीचे एक डिलीट करके ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करते ही ये पार्ट आपका डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है स्पीड ऑप्शन, आप इस स्पीड ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो के स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि ये वीडियो आपका मज़ेदार बना रहे और कोई भी बोरिंग पार्ट ना आए। देखिए यहाँ पर बहुत सारा डॉट बना हुआ है, आप जैसे जैसे आगे करेंगे वैसे वैसे और ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर 1.25x करके अप्लाई टू ऑल किया, ये देखिए ये वीडियो फास्ट हो चुका है। और फिर उसके बाद आता है वॉल्यूम, इस फीचर से आप अपने वीडियो के वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अप्लाई टू ऑल करके सेव कर सकते हैं। उसके आगे बात करें तो ये क्रॉप है, आप इससे अपने वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं और इससे रोटेट भी कर सकते हैं अपने वीडियो को, एक और ऑप्शन है रोटेट करके उससे। और फिर उसके बाद आता है ब्लर ऑप्शन, जिससे आप अपने वीडियो को ब्लर कर सकते हैं और ब्लर इफ़ेक्ट लगा के वीडियो को और भी अच्छा बना सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर बहुत सारे ब्लर ऑप्शन है, जैसे मैंने ये वाला कर दिया, इससे वीडियो पे ब्लर इफ़ेक्ट आ जाएगा और ये और भी अच्छा लगेगा अगर आपको सिनेमैटिक लेना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगले फीचर की, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है, जिससे आप अपने वीडियो पे रिवर्स इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक रिवर्स करके ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी देर के लिए प्रोसेसिंग होगा, फिर उसके बाद आपके वीडियो पे एक रिवर्स इफ़ेक्ट लग जाएगा और आपका वीडियो उल्टा चलेगा। ये देखिए ये वीडियो रिवर्स हो चुका है, अब मैं इसे प्ले करूँगा तो ये वीडियो रिवर्स चलेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगले फीचर की, जो कि जिससे आप अगर आप अपने वीडियो पे एक बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना चाहते हैं तो आप इधर एक ऑप्शन मिलेगा म्यूज़िक प्लस करके, उस पर टैप कीजिए, फिर वहाँ पर म्यूज़िक पे क्लिक कीजिए और फिर वहाँ पर देखिए बहुत सारे म्यूज़िक है, जैसे व्लॉग, पॉप,
आप पॉप वाले पे क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ पर आप म्यूज़िक को डाउनलोड करके अपना बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा सकते हैं और वीडियो को और भी मज़ेदार बना सकते हैं। और फिर अगर आप अपने वीडियो पे कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप इस इधर म्यूज़िक वाले के नीचे में टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, उस पर टैप कीजिए, फिर टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और फिर ऐड हेडिंग पर क्लिक कीजिए। फिर वहाँ पर अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर टेक लिख दिया, और फिर इधर एक ऑप्शन है ये रेनबो टाइप का कलर्स है, उस पर टैप कीजिए और फिर यहाँ पर कोई भी कलर अगर आप चाहते हैं वर्ड में, अगर आप कलर लगाना चाहते हैं तो कोई भी पे टैप कीजिए, जो भी कलर आप लगाना चाहते हैं। फिर यहाँ पर एक टिक करके ऑप्शन है, इस टिक पे क्लिक कीजिए और फिर आप इसे मूव करके कहीं पर भी रख सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया। अगर आप इसका ड्यूरेशन लंबा करना चाहते हैं, इधर एक बार टाइप का बना हुआ है, उस बार को अगर आप आगे पीछे करेंगे तो ये देखिए ये ड्यूरेशन बढ़ रहा है इसका, 11, 12, 13 ऐसे बढ़ते रहेगा। अब जितना भी चाहे आप सेट कर सकते हैं अपने मन के अनुसार। फिर अब बात करें तो यहाँ पर अगर आप अपने फ़ोटो लगाना चाहते हैं, कोई और फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर टेक्स्ट वाली के नीचे एक फ़ोटो ऐड करके एक बटन होगा, उस पर टैप कीजिए, फिर वीडियो और फ़ोटो वाले पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर आप कोई भी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाला फ़ोटो ऐड कर दिया और आप इधर कहीं पर भी रख सकते हैं, देखिए ऐसे। तो दोस्तों अपने अपने वीडियो को ऐसे करके एडिट कर देना। फिर उसके बाद अगर आप सेव करना चाहते हैं अपने वीडियो को, तो यहाँ पर राइट में देखिए एक ऑप्शन होगा ब्लू कलर का फॉरवर्ड टाइप का, उस पर टैप कीजिए। फिर यहाँ पर आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट में, आप इसे मैनुअल पे कर लीजिएगा और फिर सब कुछ फुल कर दीजिएगा ताकि आपका वीडियो का क्वालिटी बढ़ जाए। और यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले बटन पर टैप कर दीजिएगा जिससे आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाए। देखिए ये एक्सपोर्ट प्रोसेस ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए ऊपर राइट में और फिर आपका वीडियो अपलोड करने के लिए तैयार है और आप इसे अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।